नमस्ते एवरीवन, गेट ट्रेंड इन 10 मिनट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एडवांस एक्सेल इन सीटीसी डिजाइनिंग। सीटीसी डिजाइन करते वक्त हम लोग एडवांस एक्सेल का कैसे यूज कर सकते हैं और अपने मैनुअल एक्टिविटीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मैं अपनी एक्सेल सीट शेयर कर रहा हूँ। होप आप सभी को मेरी एक्सेल सीट विजिबल होगी। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी प्रैक्टिस में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली एचआर प्रोफेशनल्स आर डूइंग व्हाइल डिजाइनिंग सीटीसी एंड एक्सेल, नॉर्मली क्या करते हैं। चलिए एक छोटी सी सीटीसी ले लेते हैं हम लोग, पहले 20,000 फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं। 20,000 की सीटीसी का हम लोग ब्रेकअप बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक सैलरी होती है नॉर्मली 40-50% ऑफ सीटीसी। हम लोग 40% हम लोगों ने ले लिया, 40% ऑफ सीटीसी इज द बेसिक सैलरी। एचआरए को हम लोग 40-50% रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन एम्प्लॉय मेट्रो में है या नॉन मेट्रो सिटी में है। तो चलिए हम लोगों ने 50% ऑफ बेसिक सैलरी को एचआरए में ले लिया है। कन्वेंस और मेडिकल अलाउंस भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। देखिए आज के डेट में कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं। आप इसे रखो या ना रखो सीटीसी एनेक्सर में, इसका कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अब नहीं होता है। पहले ये इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड हुआ करते थे, तो कन्वेंस 1600 रख के और मेडिकल 1250 रख के टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाता था। लेकिन जब से स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले 50,000 की अमाउंट एक्सटेंड हुई है, अब इसका होना या ना होना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली एचआर प्रोफेशनल सीटीसी डिजाइन करते हैं। अब इसके बाद स्पेशल अलाउंस को नॉर्मली ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, जिसे एडजस्टिंग अमाउंट के लिए खाली रखा जाता है जो बाद में भरते हैं। अब हम लोग देखते हैं अभी हम लोग सीटीसी कितने पहुंचे हैं। नाउ द सीटीसी ग्रॉस सैलरी हम लोग 14,850 बने। अब सीटीसी फाइंड आउट करने के लिए एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। आप सभी जानते हैं एम्प्लॉयर 13% कंट्रीब्यूट करता है इन टोटल। 1% वो EDLI एंड एडमिन चार्जेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज 13%। 13% ऑफ ग्रॉस मैंने ले लिया है 1931। ESI में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 3.25% ऑफ द ग्रॉस वेजेस, विच इज कमिंग टू 483। देखिए ग्रेच्युटी को 50% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कीपिंग अंडर सीटीसी। बाकी 50% लोग या कंपनीज अभी भी ग्रेच्युटी को सीटीसी का पार्ट मानते हैं, कंपोनेंट मानते हैं और उन्हें इंक्लूड करते हैं सीटीसी में। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन चलिए हम लोग ग्रेच्युटी को ले लेते हैं जो बेसिक का 4.81% होता है। एंड ग्रेच्युटी पेबल होता है 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस वंस अ पर्सन कंप्लीट्स 5 ईयर। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी हम लोग कितने सीटीसी को अचीव कर पाए हैं। नाउ हम लोग ट्राई कर क्या कर रहे थे, 20,000 की सीटीसी की ब्रेकअप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। सीटीसी अभी हम लोग जो पहुंचे हैं वो है 17,648। तो अभी भी जो हमें डिफरेंस आ रहा है वो हमें 2,352 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ जो हम लोगों ने एडजस्टिंग अमाउंट वाली कॉलम को ब्लैंक छोड़ा था, अब यहाँ पे इसे डालने की कोशिश करते हैं सो दैट हम लोग 20,000 की सीटीसी में पहुंच जाए। चलिए मैं ये 2,352 का वैल्यू यहां डालता हूं। अब देखिए ये थोड़ा सा एक्सेस हो गया, मुझे -382 करना होगा। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला में -382 कर दिया, लेकिन अब देखिए 62 ज्यादा हो गया तो मैं यहाँ 62 ऐड कर देता हूं। अब वापस 10 रुपीज कम है तो मैं यहां से -10 कर देता हूं। नाउ 2 rupees is more. I would add this 2 rupees. Now -1 is there, which I would accommodate here. अब ये zero आई। तो हम लोगों ने इतनी सारी प्रोसेसिंग की 20,000 की सीटीसी तक पहुंचने के लिए, एडजस्टिंग अमाउंट रख के मैनुअली फीड कर करके हम लोग फाइनली 20,000 तक पहुंचे। अगर लैपटॉप और एक्सेल होने के बाद भी हम लोग कैलकुलेशन ऐसे ही करें तब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा है।
लेट्स मूव टू द एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। जैसे हम लोग इसको किससे किस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक नए सीट में मूव कर रहा हूँ, ये है नई सीट जो ऑलरेडी फॉर्मूला ड्रिवन है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा सैलरी या सीटीसी की कंपोनेंट, बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस है, नीचे आप जाएंगे तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस भी है, पीएफए ईएसआई है, सभी कुछ है। ऑन द राइट हैंड साइड आपको वो दिखेगा कि हर एक सेल में क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। अब फिर से हम लोग ये 20,000 की सीटीसी अचीव करने की कोशिश करते हैं। देयर इज ए फॉर्मूला बाय द नेम ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। में व्हाट इफ एनालिसिस में जा रहा हूं, उसके अंदर में एक गोल सिक ऑप्शन है, उसे मैंने चूज किया। गोल सिक एक्सेल की वो फॉर्मूला है जो आपसे तीन चीज पूछती है। सबसे पहला पूछती है कि आपको कौन से सेल में वैल्यू चाहिए, तो मैंने वो सेल सेलेक्ट कर लिया। हमारी यहाँ पे जो सेल है वो है C12, विच इज सीटीसी वाला सेल। मैंने एक्सेल को इंडिकेट कर दिया कि मुझे C12 में वैल्यू चाहिए। द सेकेंड क्वेश्चन विच एक्सेल इज आस्किंग मी इज आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, C12 में मुझे वैल्यू चाहिए कौन सा। हमें 20,000 की सीटीसी डिजाइन करनी है, तो मैंने यहाँ पे 20,000 वैल्यू डाल दिया। मैंने दो चीज एक्सेल को बता दिया, कौन से सेल में मुझे वैल्यू चाहिए और मुझे क्या वैल्यू चाहिए। अब जो तीसरा और फाइनल क्वेश्चन जो एक्सेल मुझसे पूछता है वो ये पूछता है कि आप मुझे वो एक सेल दो जहां पे मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के 20,000 की सीटीसी पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक्सेल को वो एक सेल देने जा रहा हूं जो कि है बेसिक सैलरी वाली सेल। मैंने पूरी फॉर्मूला डिजाइन कर ली, मैंने एक्सेल को बताया कि मुझे कौन से सेल में वैल्यू चाहिए, उस सेल में क्या वैल्यू चाहिए और उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपको कौन से सेल में डिफरेंट वैल्यू डाल डाल के ट्राई करना है इस डिजायर्ड सीटीसी के वैल्यू तक पहुंचने के लिए। अभी मेरे एक्सेल गिव अ क्लोजर लुक टू द एक्सेल, मैं अभी ओके करने जा रहा हूं। आपको दिखेगा कि एक्सेल कैसे कैलकुलेट करेगी या खुद ही सभी कंपोनेंट को। देखिए मैंने ओके क्लिक किया, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, बहुत जल्दी ही कैलकुलेट हो गया। एक बार और करके देख लेते हैं एंड लेट्स टेक ए डिफरेंट फिगर। अब मैं वापस गोल सिक फार्मूला में जाता हूं। मैं सबसे पहले वो सेल इंडिकेट करता हूं जहां मुझे डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, मैंने वो चूज कर लिया सीटीसी वाली सेल। अब मैं वैल्यू 20,000 नहीं लेता हूं, अब मैं 60,000 ले लेता हूं, थोड़ी सी बड़ी फिगर लेता हूं 60,000। अब वो सेल इंडिकेट कर रहा हूं जहां पे एक्सेल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के ट्राई करेगी और 60,000 की सीटीसी को पहुंचने का कोशिश करेगी। मैंने वो सेल भी डिसाइड कर लिया। अब मैं ओके क्लिक कर रहा हूं और एक्सेल इसे कैसे खुद ही कैलकुलेट करेगी वो आपको दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से एक्सेल ने सीटीसी के सभी कंपोनेंट को खुद ही डिसाइड कर लिया। देयर इज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ मैनुअल एक्टिविटीज। फिर तो हम लोग कॉपी और पेन में करें तो बात सेम ही रहेगी। तो दिस इज द यूज ऑफ एडवांस एक्सेल। लास्ट एक बार और देख लेते हैं, लेट्स टेक स्लाइटली ऑड फिगर। ऐसा फिगर लेते हैं जो राउंड ऑफ नहीं हो, 20 या 60 नहीं हो, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा सा हो। तो मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया, सेम सेल सीटीसी वाली सेल जहाँ पे मुझे फिगर चाहिए। नाउ द सीटीसी विच आई एम लुकिंग फॉर इज 1,78,963। ये सीटीसी हो सकती है, तो मुझे इस सीटीसी की ब्रेकअप चाहिए जो मैंने लिख लिया। और अगेन मैं वो सेल इंडिकेट कर रहा हूं जहां पे एक्सेल ट्राई करेगी। ये दिखा आप लोगों को, मैंने सिर्फ एक्सेल को तीन चीजें बताई, मुझे कौन से सेल में वैल्यू चाहिए, उस सेल में मुझे क्या वैल्यू चाहिए और आपको कौन से सेल को यूज करके उस सीटीसी तक पहुंचना है। दिस इज द यूज ऑफ एडवांस एक्सेल व्हाइल डिजाइनिंग सीटीसी एंड एक्सेल। दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप शेयर्स को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू।